टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब कॉपी आइसोमेट्रिक में कर रहे हैं। अभी इसमें ये 96 है, ये हाइट 64 है और विड्थ भी 64 है। तो उस प्रकार से पहले बॉक्स बना देंगे, उसके बाद यहाँ पे 16 हाइट है, यहाँ पे भी 16। जब नहीं दिया हुआ था तब हम अज्यूम करते हैं कि दोनों साइड सेम है। तो ये एल शेप मिल गया। अब इसको पीछे लेके जाएंगे, कितना पीछे लेके जाएंगे, 64। तो इस प्रकार से एल शेप हो गया। अभी हमें सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे रेडियस 48 है वो पहले बनाते हैं, सबसे बड़ा सर्कल है। सो 48 बनाने के लिए यहाँ से 48 लेके कट करेंगे, वहाँ से वर्टिकल लाइन, बाद में वो सेंटर पॉइंट से 48 अप 48 डाउन 48 लेफ्ट 48 राइट। ये देखें, यहाँ से 48 अप 48 डाउन 48 लेफ्ट साइड पे और 48 राइट साइड पे। देखिए यहाँ से ऐसे लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, रोम्बस कंप्लीट होगा। एक बार रोम्बस बन गया, उसके बाद लॉन्गेस्ट डायगोनल से हम लोग सर्कल बना सकते हैं, फोर सेंटर मेथड। ये देखो, ये प्लस हो गया, रेडियस सब जगह मार्क करके रोम्बस बना दिए। अभी है लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये हो गया पॉइंट वन, वन से एम। ये हो गया पॉइंट वन, ये हो गया एम टू, ये थ्री, ये फोर। बट इतने पॉइंट की जरूरत नहीं, एक से ही काम हो जाएगा। सो वन टू एम लेके आर्क बना दो, उसके बाद वो पॉइंट वन को अंदर लेके जाओ। कितना अंदर लेके जाएंगे, 16। ये हो गया वन डैश। ये वन डैश फिर रखा और कर्व बना दिया। सो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसको भी डार्क कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है 16, तो यहाँ पे मार्क करेंगे 16। उसके बाद वापस गैप आएगा 16 का, ये कितना है 22, और ये 16, रेडियस 8 है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले वो बना लेते, यहाँ से लाइन खींच देते, कितना लेना है यहाँ से 20 और उसके बाद 8। देखो 20 मार्क कर दिया और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। इसमें 16 है तो उसका आधा कितना होगा, 8। तो यहाँ पे 8 मार्क करके वहाँ पे
फोर सेंटर मेथड से सर्कल बनाएंगे। ये देखो ये सेंटर मिल गया, अभी सब जगह 8-8 मार्क करके रॉम्बस बना देते हैं। ये हो गया 0.1, 2, ये 3, ये 4। सो 1-2M लेके कर्व बनाएंगे। और उसके बाद 4-2M लेके कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमें सेमी सर्कल मिल जाएगा फोर सेंटर मेथड से। अभी ये पार्ट बनाना है, कितना पीछे है 22, तो यहाँ से पहले 22 मार्क करेंगे, बाद में यहाँ से ऊपर जाएंगे 28, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे 8, 24, 8। उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ से भी 8, ये 24 है तो उसका मिड पॉइंट 12, वहाँ पे वर्टिकल लाइन बना के यहाँ पे भी रॉम्बस बनाना पड़ेगा। यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे 12, 12, 12 अप, 12 डाउन, और इस प्रकार से यहाँ पे फोर सेंटर मेथड से सर्कल बन जाएगा। देखो रॉम्बस बन गया। अभी हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट डायगनल, और ये जो पॉइंट वन है 1-2M वो ज्वाइंट करना है। ये 2-3-4, अभी 1-2M लेके कर्व बनाएंगे और 3-2M लेके कर्व बनाएंगे। इसके बाद इसको पीछे लेके जाएंगे, कितना पीछे लेके जाएंगे 64-22, तो आएगा 42, उसमें ये 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 30। ये पार्ट सो टोटल तो 42 है, सो हम लोग पहले 42 ले लेंगे या फिर ऊपर से ये लाइन ड्रॉप करेंगे तो जहाँ पे मर्ज करेगी उतना ऑटोमेटिक आ जाएगा 42। ये इतना बना दिया 42 पीछे। अब इसको जॉइन कर देते हैं। यहाँ कर्व बनाना है, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 12 और ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका स्लोप वाला पार्ट। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल बनाना है पीछे वाला, जो कितना पीछे जाना पड़ेगा 42। सो पॉइंट वन जो है उसको 42 पीछे लेंगे। यहाँ से ये रेडियस लिया और 1- पे रख के, ये देखो ये रेडियस लिया 1- पे रख के वापस कर्व बनाया। यहाँ पे एक्सिस लाइन
ये वाली लाइन डार्क करनी है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।